प्रकाश जी से भी आपके बड़े रिश्ते रहे, जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन जयप्रकाश जी से इसलिए ज्यादा नहीं रही कि जब सोशलिस्ट पार्टी टूटी तो ये टूटी क्यों थी। असल में ये हुआ था कि 1957 में समाजवादी पार्टी की केरल में सरकार बनी थी, केरल में पुत्तम थानुपल्ली बने थे मुख्यमंत्री। उस समय हमारा बहुमत नहीं था, केवल हमारे 18 लोग जीते थे, लेकिन कम्युनिस्ट नियम में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमारा समर्थन करके पुत्तम थानुपल्ली को मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय डॉक्टर लोहिया संयुक्त प्रजा समाज पार्टी बन गई थी, उसके जनरल सेक्रेटरी थी और कृपलानी से अध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश में गोली चल गई थी और मध्य प्रदेश में गोली चलने के बाद जयप्रकाश जी ने कहा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद केरल में गोली चली तो डॉक्टर लोहिया उस समय आपसी आंदोलन के संबंध में उत्तर प्रदेश में जेल में थी। तुमने कहीं केरल में मध्य प्रदेश में इस्तीफा देना है तो फिर केरल में भी इस्तीफा देना चाहिए। केरल में ये एक ऐसा सैद्धांतिक सवाल था जिस पर पार्टी टूट गई, क्योंकि हम लोग इस पक्ष में थे कि लोहिया जी जो कह रहे हैं वो ठीक है और जयप्रकाश जी ने मध्य प्रदेश में तो मांग की लेकिन वहाँ उसका उन्हें समर्थन सेलेक्टिव हो गए। एक तो ये कारण था। दूसरे पर जयप्रकाश जी 1952 के बाद एक तरह से निराश से हो गए, फिर भूदान में चले गए तो हमारा ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। हाँ, अंत के समय जब वो जनता पार्टी की सरकार बन रही थी और वो आंदोलन चला रहे थे संपूर्ण क्रांति वाला, तब मैं उनको लेने धौलपुर गया था। धौलपुर से भरतपुर, भरतपुर में मीटिंग थी, तब रास्ते में एक गांव पड़ता है अरदाया। ये अरदाया ऐसा गांव था जो गांव शायद हिंदुस्तान में पहला गांव था जहां कर्फ्यू लगाया गया था। तो मैंने उनको डॉक्टर लोहिया की बताई, अरदाया जिक्र किया तो जयप्रकाश जी के आंसू आ गए और उन्होंने कहा हाँ भाई लोहिया की बात तो अलग ही थी। तो जयप्रकाश जी से हमारे पार्टी के लिए थे, आए भी थे, भरतपुर में रहे थे, लेकिन जो जिस तरह संपर्क लोहिया जी से था वो किस बीच में इसलिए टूट गया कि वो भूदान में चले गए, फिर हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। हालांकि लोहिया जयप्रकाश में किसी दो नेताओं में चर्चा करना या तुलना करना गलत है, अलग उपस्थिति है, लेकिन लोहिया जी तीव्र थे और कटु थे, जयप्रकाश जी बड़े शालीन थे। जयप्रकाश जी और लोहिया में फर्क, लोहिया तो कठोर थे कि वो जब जनता पार्टी टूटी थी, प्रजा समाज टूटी थी, तो उससे पहले वो नरेंद्र जी के यहाँ रहते थे नरेंद्र देव का, और नरेंद्र देव को वो सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे। तो मैंने बहरोड में उनसे ये कहा कि आपने नरेंद्र जी की बात नहीं मानी, पर वो इतने कठोर थे कि उन पर इन चीज़ों को ऐसा नहीं पड़ता, केवल उनके सामने होता था सिद्धांत और वो ये कहते थे सिद्धांत पर बहस करो, एकता करो, वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए पर कर्म का बंधन होना चाहिए। उनका एक थ्योरी थी आज के अनुशासन पर, वाणी पर बंधन नहीं, कर्म पर बंधन लगाओ, यानी आप बहस करो, खुली करो, पक्ष करो, लेकिन जब फैसला हो जाए उस पर कर्म पर बहस मत करो।